उसने कितने लोगों का इलाज किया और उसमें से कितने लोगों को इसकी वजह से जान गंवानी पड़ी, इसकी जांच होनी चाहिए। दूसरा एक मुद्दा, इसने कितने अस्पतालों को परमिशन दी, उसकी जांच होनी चाहिए। तीसरा अहम मुद्दा, इसकी बीवी की पत्नी आरती वाड़कर, उसके ऊपर हालांकि ऐसी रिपोर्ट आ रही कि कार्रवाई होगी, लेकिन अब तक क्यों नहीं हुई? क्योंकि मुख्य आरोपी तो एक माने में डॉक्टर आरती वाड़कर कही जाएगी जिन्होंने इसको लाया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूसुफ अली। दोस्तों इस समय एक बड़ा मामला वसई विरार महानगर पालिका अंतर्गत सामने आया है। आप सबको मालूम है वसई विरार में पिछले हफ्ते में एक बोगस डॉक्टर की गिरफ्तारी हुई, डॉक्टर सुनील वाड़कर, जिसके पास एमबीबीएस की डिग्री नहीं होने के बावजूद वसई विरार में 14 साल से लंबे समय से यह डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहा था। अब सबसे बड़ी चीज है कि इसके दो अस्पताल है, दोनों अस्पताल फिलहाल उनपे सील लगी हुई है। एक हाईवे पर हाईवे हॉस्पिटल करके है विरार में और दूसरा नालासोपारा का नोबल हॉस्पिटल है। तो उसके ऊपर कार्यवाही हुई और आगे कार्यवाही जारी है, लेकिन डॉक्टर सुनील वाड़कर के ऊपर जो कार्यवाही हुई या आगे होगी वह कार्यवाही काफी छोटी है, मुझे ऐसा लगता है। मैं ये इसलिए बोल रहा हूं कि डॉक्टर सुनील वाड़कर की हम जो बात कर रहे हैं, डॉक्टर नहीं बोला जाना चाहिए, एमबीबीएस की डिग्री नहीं है उनके पास में, हम फिलहाल उसको आरोपी सुनील वाड़कर बोल सकते हैं। तो सुनील वाड़कर है, इसकी एंट्री कैसे हुई महानगर पालिका में उसका आपको थोड़ा बताता हूं। तो जैसे खबर सामने आई है, सोर्स से पता चला है, 2007 में सुनील वाड़कर की धर्मपत्नी जिनका नाम आरती वाड़कर है, वो डेंटिस्ट है, उनकी एक एजेंसी है, एजेंसी थी, उस एजेंसी को नगर परिषद ने कॉन्ट्रैक्ट दिया था डॉक्टर के अपॉइंटमेंट का। तो उस एजेंसी को ये मिलने जैसा ही कॉन्ट्रैक्ट मिला, एजेंसी ने तुरंत अपने पति को उसमें, आरती वाड़कर ने अपने पति सुनील वाड़कर को उसमें महानगर पालिका में घुसा दिया। माफ कीजिएगा, तब महानगर पालिका नहीं, नगर परिषद थी, 2007 की बात है। फिर 2007 से दो साल में 2009 में महानगर पालिका का गठन हुआ और तीन नगर परिषद वसई, नालासोपारा और विरार, ये एक हो गई, महानगर पालिका का गठन हुआ। महानगर पालिका गठन होने के बाद में जितने भी सरकारी कर्मचारी है, ज्यादातर कर्मचारी नगर परिषद के ही महानगर पालिका में बहाल हुए, और क्योंकि उन्हीं को मालूम है वही वहां पे थे स्थान पे, तो इसके लिए उसमें कोई बुराई भी नहीं है। तो उसी बहाली में ये डॉक्टर वाड़कर, जो फिलहाल आरोपी वाड़कर है, ये भी महानगर पालिका में आ गया। अब महानगर पालिका में आए इतना ही नहीं, महानगर पालिका में आने के बाद में ये मुख्य वैद्यकीय अधिकारी, गौर कीजिएगा, मुख्य वैद्यकीय अधिकारी के पद पर बैठा। इसको जब मुख्य वैद्यकीय अधिकारी बनाया गया, उसके बाद में इसका काम था एडमिन का देखना, और एडमिन अंतर्गत 2009 से लेकर 2013 तक, चार साल तक इसने न जाने कितने डॉक्टरों की नियुक्ति की होगी, न जाने क्या क्या कुछ किया होगा। मैं उन चीजों पे बाद में सिलसिलेवार तरीके से आऊंगा। अब जिस इंसान के पास खुद अपनी डिग्री के वांदे है, ये बात बड़ी है, जिस इंसान के पास खुद अपनी डिग्री के वांदे है, उसने डिग्री दूसरों की चेक की, ये वसई विरार महानगर पालिका में हो चुका है, होगा ऐसा नहीं, हो चुका है। ठीक है, तब किसी को मालूम नहीं था, लेकिन क्यों किसी को मालूम नहीं पड़ा, यह सवाल बड़ा है। ऐसा इतना बड़ा कांड कैसे हुआ, यह सवाल बड़ा है। अब 2013 में, 2009 से 2013 तक महानगर पालिका में, जैसा मैंने अभी बताया कि इसने सबका रिक्रूटमेंट किया, इसी बीच में इसने क्या किया कि अपने अस्पताल और निजी अस्पताल जो ये बना रहा था उसकी परमिशन भी इसने जारी कर दी। वैद्यकीय अधिकारी का ही काम होता है अस्पताल की जो फॉर्मेलिटी है उसको पूरी करना, अस्पताल को जो भी लगता है फॉर्म 6 वगैरह जो भी, वो वैद्यकीय अधिकारी जारी करता है, इसने कर दिया, यानी कि इसका एक टास्क, एक मिशन खत्म हुआ, इसने अपने भविष्य का रास्ता तय कर दिया।
अब 2013 में महानगर पालिका को कुछ संदेह हुआ और ऐसा लगा कि कहीं कुछ गड़बड़ है, तब आरती वाड़कर की जो एजेंसी है उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया और महानगर पालिका खुद रिक्रूटमेंट करने लगी। अब जब 2013 में महानगर पालिका खुद रिक्रूटमेंट करने लगी तो यह डॉक्टर आरोपी डॉक्टर सुनील वाड़कर ने क्या किया, अपना इस्तीफा दिया और महानगर पालिका छोड़ दी। तब से ये बंदा अपने अस्पतालों में प्रैक्टिस कर रहा है। अब अपने अस्पतालों में प्रैक्टिस कर रहा था, मामला उठा ही नहीं जो अब तक 2021 तक नहीं उठ पाया था, अभी उठा। इस बीच में इसके साथ में कुछ विवाद और भी थे, उन पर मैं नहीं जाऊंगा, हालांकि उनमें भी गुनाह दर्ज है और बड़े बड़े कलम भारतीय दंड संहिता की बड़ी बड़ी कलमों के अंतर्गत गुनाह दर्ज है जो प्रीवियस में लोगों को मालूम है, उसमें मैं अभी नहीं जाऊंगा। इसने क्या कांड किए, ऐसा कहा जाता है कि इसने महानगर पालिका में रहते हुए अपने पद पर रहते हुए अधीनस्थ लोगों पर काफी अत्याचार किए। अब उस चीज को मैं साइड में रखता हूं और एक अहम मुद्दा दूसरा, इसने क्या किया नहीं किया निजी जिंदगी में वो अलग चीज है, लेकिन सरकारी जिंदगी में इसने क्या किया। जब एक व्यक्ति के पास खुद अपनी डिग्री नहीं है, गौर कीजिएगा, जिस एक व्यक्ति के पास अपनी डिग्री नहीं है उसने अपने ही अस्पताल की जितनी परमिशन है वो जारी कर दी। अगर वो अपने अस्पताल की परमिशन जारी कर देता है तो क्या उसने पैसा लेके दूसरों के अस्पताल की परमिशन जारी नहीं की होगी, ये मेरा सवाल है, सीधा सा सवाल है। जब उसको किसी पेपर के बारे में, कागज के बारे में कुछ मालूमात ही नहीं है, जब उस इंसान को उस पेशे के बारे में मालूमात ही नहीं है, उसके पास डिग्री नहीं है, तो उसने दूसरों का काम सिर्फ पैसा लेकर किया होगा या नहीं किया होगा, ये बड़ी बात है। मैंने पहले ही कहा था कि ये बोगस डॉक्टर पकड़ा गया काफी छोटी बात है, बहुत झोला छाप डॉक्टर आज है, कई बार कार्रवाई होती है झोला छाप डॉक्टर पकड़े जाते हैं, लेकिन ये झोला छाप नहीं है। इसने झोला छाप डॉक्टर पैदा किए उसका संदेह हो रहा है। वसई विराम में कितने ऐसे अस्पताल होंगे, कितने ऐसे क्लिनिक होंगे जिनकी जांच की जानी जरूरी है। अभी मैं आता हूं दूसरे मुद्दे पर। जब यह डॉक्टर था तब इसने जिन लोगों का इलाज किया उनमें से कितने लोग आज बचे हैं नहीं है, किस किस को क्या बीमारी थी नहीं थी, ये नहीं मालूम। लेकिन अगर एक इंसान भी इसके इलाज के दौरान में अगर एक इंसान की भी मौत हुई हो तो क्या उसकी मौत का इसके ऊपर खून का गुनाह दर्ज नहीं होना चाहिए। जब आम कभी कभी डॉक्टर इलाज करते हैं लेकिन तब भी वो अपने पेशेंट को नहीं बचा पाते हैं, वो एक अलग चीज है, वो उनके हाथ में नहीं होता है। लेकिन जिस इंसान के पास डिग्री नहीं है, बोगस डिग्री के आधार पर वो प्रैक्टिस कर रहा है, उसकी क्या गारंटी कि उसने सही से इलाज किया होगा, ये बड़ा मुद्दा है। एक मुद्दा कि इसने कितने लोगों का इलाज किया और उसमें से कितने लोगों को इसकी वजह से जान गंवानी पड़ी, इसकी जांच होनी चाहिए। दूसरा एक मुद्दा, इसने कितने अस्पतालों को परमिशन दी, उसकी जांच होनी चाहिए। तीसरा अहम मुद्दा, इसकी बीवी की पत्नी आरती वाड़कर, उसके ऊपर हालांकि ऐसी रिपोर्ट आ रही कि कार्रवाई होगी, लेकिन अब तक क्यों नहीं हुई, क्योंकि मुख्य आरोपी तो एक माने में डॉक्टर आरती वाड़कर कही जाएगी जिन्होंने इसको लाया। यह तो हुई डॉक्टर सुनील वाड़कर की कहानी। अब वसई विरार महानगर पालिका के कार्यभार की मैं आपको कुछ सुनाता हूं। वसई विरार महानगर पालिका में आज भी कार्यभार वैसा ही चल रहा है, ये मैं कुछ पेपर लेके बैठा हूं, आप देख सकते हैं। पिछले एक साल से अधिक समय से जब से कोविड महामारी में निजी अस्पतालों द्वारा लूट किया गया का मामला मेरे सामने आया है, मैं कुछ अलग अलग नई नई चीजों की जानकारी आपके सामने लाता रहा हूं। आज मैं उस मुद्दे पर बात नहीं कर रहा हूं, आज मेरा मुद्दा यह है कि वसई विरार महानगर पालिका में
मैंने एक आरटीआई फाइल किया था, आरटीआई फाइल किया था, मेरा आरटीआई था निजी अस्पताल, निजी प्राइवेट क्लिनिक, डेंटल क्लिनिक और डायग्नोस्टिक सेंटर के बारे में मेरा सवाल था। उनको दी जाने वाली परमिशन, उनको परमिशन के समय लगने वाले दस्तावेज और इसकी जानकारी मैंने महानगर पालिका से मांगी थी। यह जानकारी मैंने मांगी थी ऑनलाइन जरिए से 11 जुलाई 2021 को। तो मुझे 18 जुलाई सिर्फ सात दिन में महानगर पालिका से एक पत्र आया, जो आपने माहिती मांगी है वो माहिती 52,986 पेज की है और आपको उसके लिए 1,05,972 रुपए भरना पड़ेगा। माहिती अधिकार में प्रावधान है, हम कोई माहिती अगर मांगते हैं तो हमको पर पेज 2 रुपया अदा करना होता है, ये माहिती अधिकार में नियम है और हम उसके लिए भरने के लिए तैयार भी हैं। लेकिन मुझे मालूम था कि जो माहिती मैं मांग रहा हूं वो माहिती काफी वृहद स्तर की है, तो मैंने नीचे एक निवेदन लिखा था कि ये माहिती मुझे स्कैन करके पीडीएफ करके पेन ड्राइव में दी जाए। अब पेन ड्राइव का जो भी पैसा था वो मैं भरने को तैयार था, लेकिन महानगर पालिका ने मेरे सुनी नहीं। उन्होंने क्या बोला कि हमारे पास में ये पीडीएफ अवेलेबल नहीं है, आपको यही लेना पड़ेगा, आपको 1,05,000 रुपया भरना पड़ेगा। इसको मैंने चैलेंज किया है सेकंड अपील में और उस बारे में मैं सेकंड अपील में जाऊंगा। लेकिन उसके बाद में ये मेरा भी मुद्दा पेंडिंग है, अगर ये मुझे माहिती मिली होती तो शायद मैंने ये 2009 से मांगा था, वो वाडकर के टाइम का भी इसमें सब कुछ खुलासा होता। उसके बाद में फिर मुझे भी थोड़े दिन पहले कुछ ऐसा संदेह ऐसी कुछ जानकारी आई, तो मैंने उसका वेरिफाई करने के लिए एक नई माहिती मैंने फाइल की, आरटीआई मैंने मारा। तो उस आरटीआई में मैंने वासई विरार महानगर पालिका के जीवदानी अस्पताल की डिटेल कुछ मांगा, उधर कहां कम काम करने वाले डॉक्टर की उसकी डिटेल मैंने मांगी थी। वो माहिती मुझे अभी हाल ही में दी गई है, ये आप देख सकते हैं वो माहिती है। अब यह माहिती मेरे को ऐसी सिचुएशन में दी गई है कि इसमें मैं क्या कोई भी इसमें कुछ समझ नहीं पाएगा। अब महानगर पालिका एक तरफ बोलती है कि हमारे पास में स्कैन किया हुआ नहीं है, हम इसके लिए आपको पीडीएफ नहीं दे सकते, आपको जेरोक्स ही लेना पड़ेगा। मैं कागज बचाने की बात करता हूं या कागज जानबूझकर देने की बात करते हैं, लेकिन वो जाने दीजिए, ठीक है। लेकिन ये जो माहिती है ये भी महानगर पालिका ने कोई जेरोक्स करा के नहीं दी है। ये कैम स्कैनर का इसके ऊपर लोगो है, कैम स्कैनर से इन्होंने स्कैन किया है और माहिती को उसको ये प्रिंट निकाला है। तो मेरा सवाल यह है कि जब कैम स्कैनर से स्कैन हो सकती है माहिती, जब डॉक्यूमेंट स्कैन हो सकते हैं, तो क्यों नहीं उनकी फाइल बनाकर पीडीएफ में दे दी जाए। एक जानबूझकर माहिती नहीं देने का इनका फंडा है। यह माहिती मैंने इसलिए मांगा था कि मुझे ऐसी इंफॉर्मेशन आई थी, किसी ने ऐसा बताया था कि वसई विरार महानगर पालिका की वैद्यकीय आरोग्य विभाग की प्रमुख अभी मैडम है भक्ति चौधरी, इनके पहले डॉक्टर सुरेखा वाल्के थी। तो डॉक्टर सुरेखा वाल्के के समय में उनके पति डॉक्टर प्रशांत वाल्के की चंदनसार में नियुक्ति हुई थी, ऐसी मुझे जानकारी आई थी। तो ये वही वैसा ही मामला है, डॉक्टर वाडेकर और डॉक्टर वाल्के दोनों में सिमिलर है। डॉक्टर वाडेकर ने अपने पति को महानगर पालिका में काम पर लिया था जब उनकी एजेंसी वो काम कर रही थी, डॉक्टर वाड़के जब सीएमओ थी, एमओएच थी, तब उन्होंने अपने पति को महानगर पालिका में काम पर लिया था। मैंने उसकी माहिती मांगा, हालांकि फिर से मैंने माहिती का डिमांड किया हूं कि क्लियर नहीं है नई कॉपी दीजिए, लेकिन मैंने आपके सामने खुलासा किया ये सब पेज जो है कैम स्कैनर से स्कैन किए हुए हैं और उससे स्कैन करके ये दिया गया है। इसमें बड़े बड़े रजिस्टर की माहिती इतने से छोटे कागज में दे दी गई है जिसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने मेरे को ऐसी जानकारी दी कि वहां पे कुछ चीजें जिनका मैं खुलासा बाद में कभी करूंगा सही नहीं हो रही है, तो इसके लिए मैंने ये माहिती मांगा था। अब इस माहिती में मैंने इनको भुगतान कितना किया गया
कौन कौन डॉक्टर नियुक्त थे और किसको कितना भुगतान किया गया उसकी भी जानकारी मांगी थी, तो वो एक जरूर आपको मैं बताना चाहूंगा। इन्होंने यहां पे नाम दिया है चार डॉक्टर का, हालांकि चार डॉक्टर से ज्यादा डॉक्टर लिस्ट में है नाम, लेकिन वो भी माइती आदूदरी, वो भी फर्स्ट अपील में, सेकंड अपील में मैं जहां जाना वहां जाऊंगा निकालूंगा आपको, तब बाद में बताऊंगा। लेकिन फिलहाल इन्होंने चार लोगों का नाम दिया है, डॉक्टर सुनील ज्ञानमणि, डॉक्टर कविता चौधरी, डॉक्टर प्रणाली पाटिल, डॉक्टर प्रशांत वाड़के। ये प्रशांत वाड़के फिजिशियन, इन चार को, सुनील ज्ञानमणि को फरवरी में 99,000, मार्च में 99, अप्रैल मई जून जुलाई, जून तक 99, जुलाई में 1,02,000, अगस्त में 1,03,000 और सितंबर में 1,03,000 ऐसा मानदंड दिया गया। डॉक्टर कविता चौधरी को 76,000, फरवरी 76, मार्च 76,000, अप्रैल 76,000, मई 76, जून 76, जुलाई में 78,000, अगस्त में 80,000 और सितंबर में 80,000 ऐसा मानदंड दिया गया। डॉक्टर प्रणाली पाटिल फरवरी मार्च अप्रैल में कुछ नहीं है, मई में 33,000, जून में 33,000, जुलाई में 76,000, अगस्त में 76,000, सितंबर में 53,000 इतना मानदंड दिया गया। और प्रशांत वाड़के, इनका फरवरी में 62,000, मार्च में 76,000, अप्रैल 76,000, मई 74,000, जून 76,000, जुलाई 76,000, अगस्त 76,000 और सितंबर 71,000 इस तरह से मानदंड दिया गया। ये जानकारी इतनी शॉर्ट में जानकारी मुझे दी गई है। तो अब मेरा सवाल वही है कि एक ही महापालिका में जब पत्नी खुद महानगर पालिका में है तो क्या दूसरे डॉक्टर नहीं है, उनकी नियुक्ति की गई? और जब नियुक्ति की गई, जब इतना विवाद हुआ और लास्ट में डॉक्टर सुराखा वाड़के को हटाया गया और डॉक्टर सुराखा वाड़के निकल गए तो उनके पति ने भी महानगर पालिका छोड़ दिया, तो क्या ये डॉक्टर जो है ये जनता की सेवा करने आए थे? जनता की सेवा करने वाला वो किसी भी परिस्थिति में निकल के भाग के जाता नहीं। तो दोस्तों ये कुछ अहम चीजें खुलासा मैं आज कर रहा हूं, ये खुलासे जो है आगे भी जारी रहेंगे। अब मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अहम जानकारी है इसको मिस मत कीजिए। वसई विरार महानगर पालिका में क्या कुछ चल रहा है इसके बारे में आपको मैं कई बार कई चीजें बता चुका हूं पर आगे भी बताता रहूंगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।